नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी एनएचएम एएनएम 5000 पोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न हो गया है। दोस्तों, कहीं कहीं पर अभी 13 तारीख लास्ट डेट है जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं। कुछ ज़िले में अभी 13 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन 12 तारीख को ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी ज़िलों में संपन्न हो गए हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगली प्रक्रिया क्या होगी, अभ्यर्थी का हाई गुणांक और एक्सपीरियंस ये सब क्या मायने रखता है कि नहीं रखता है, इन सभी के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। और एनएचएम के द्वारा जिला वाइज और कैटेगरी के अनुसार जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा वो सब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और फाइनल लिस्ट कैसे बनकर तैयार होगी, नियुक्ति पत्र और रिजल्ट कब जारी होगा, यह सब मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, अगर वीडियो पर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो को पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह यूपी एनएचएम एएनएम जो 5000 पोस्ट आए हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो भी बहनें चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोग को ये बताऊँगा, यूपी एनएचएम एएनएम जो 5000 पोस्ट आए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न हो गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोग की अगली प्रक्रिया जो होगी वो गुणांक होगा, क्या गुणांक है, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों का है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाए थे किसी हॉस्पिटल से, जैसे किसी छोटे मोटे क्लिनिक से बनवा लिए थे, उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों, उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही निरस्त कर दिया गया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए हैं, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जब मैं इसके बारे में बता रहा था, यह बताया था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप वहीं से बनवाइएगा जो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हो, डॉक्टर रजिस्टर्ड हो, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि वह रजिस्ट्रेशन नंबर ही बहुत ही मायने रखता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एनएचएम के पास जाएगा, वहाँ फिर से आप लोगों का यह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर जो नंबर होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर नंबर, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, यह चेक किया जाएगा सही है कि नहीं सही है। अगर सही है तभी आप लोगों का एनएचएम के द्वारा जिला वाइज फिर कैटेगरी वाइज आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो है फिर आपका फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट तभी आएगी जब आप लोगों का सब कुछ सही रहेगा। सब कुछ सही रहने के बाद फिर आपका आएगा गुणांक, जिसका हाई गुणांक है वह बच्चे जो है शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जिसका लो गुणांक है उस ज़िले में देखा जाएगा कि कैटेगरी के अनुसार कितने गुणांक हो रहे हैं और कितनी सीटें हैं, वहां पर कितनी सीटें हैं, उस सीट के अनुसार गुणांक को देखते हुए जिला वाइज कैटेगरी वाइज एनएचएम लिस्ट को तैयार करेगी। जैसे सीएचओ का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें जिला वाइज और कैटेगरी वाइज देखने के बाद जो है डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन का देखा गया था, उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए लिस्ट जारी हुई है, जिसका रिजल्ट आज ही आया है। दोस्तों, आज रिजल्ट आया है, एनएचएम की साइट पर आप देख सकते हैं, सीएचओ का रिजल्ट आ गया है, उसी के अनुसार यह भी भर्ती हो रही है और यह भर्ती बहुत तेज़ी से होगी। दोस्तों, आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ है उसके बाद एनएचएम के द्वारा जिला और कैटेगरी का, यह दोनों जो है अक्टूबर लास्ट तक जहां तक है यह लिस्ट आ जाएगी, और नवंबर में आप लोगों का नवंबर में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा हूं कि गुणांक, लोग गुणांक के चक्कर में फंसे, गुणांक कैसे निकालना है, कैसे गुणांक, कितने गुणांक पर होगा, तो आप लोग इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि कितना गुणांक किसका है। सबसे पहले मैं गुणांक सर्वे पर बात करता हूं, जितने अभ्यर्थी हैं सभी लोग अपना गुणांक बताएं, कितने गुणांक पर उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो फिर मैं आप लोग को एक वीडियो में बताऊंगा कि कितना गुणांक जा सकता है। गुणांक निकालने का तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूं, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिएगा दोस्तों, और ऐसे ही गुणांक निकालिएगा। यह देखिए दोस्तों, गुणांक ऐसे ही निकाला जाएगा, मैं वीडियो बनाया था गुणांक पर, आप लोग देखिएगा। जैसे यूपी एनएचएम में जो 5000 पोस्ट आई है यह मेरिट के अनुसार होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि हाई स्कूल में किसी का 70% है तो 70% का 7 लिया जाएगा, इंटरमीडिएट में 80% तो 80% का 8 लिया जाएगा, और एनम जो एनम में आपका टोटल दोनों साल का मिलाकर, बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं कि एक ही साल का नहीं, दोनों साल का मिलाकर अगर आपका 80% बन रहा है तो 80%
का 48 होगा। अब ये 48 कैसे होगा, इसी में काफ़ी बच्चे जो है कन्फ्यूज हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, 80% तो आपका नंबर आया है और उसके साथ कम से कम 60% आपका होना चाहिए एनम में। जिसका 60% होगा उसी क्वालिफाइंग एनम में आपका 60% होना चाहिए। 60% अगर आपका है तो तभी आप क्वालिफाइंग करके एनम का गुणांक बनाएंगे और उसी के अनुसार आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है दोस्तों। तो आप लोग 80 × 60 / 100 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 48 आ गया। 48 आने के बाद अब गुणांक आप कैसे निकालेंगे, ये हाई स्कूल का 70% का 7 हो गया, इंटर का 80 का 8 हो गया और ये 48, इतना जोड़ेंगे तो 63 गुणांक दोस्तों बहुत ही अच्छा गुणांक माना जा रहा है। हाईएस्ट गुणांक जो है 63 लगभग जाएगा, जो हाई गुणांक के जो बच्चे हैं ऐसे ही रहेगा। और प्लस उसके साथ में जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, 1 साल के अनुसार 0.25 करके जोड़ा जाएगा, ऐसे ही जो है गुणांक बनेगा। अब आप लोग गुणांक अपना निकाल कर बताएं कि कितना गुणांक आप लोगों का है, फिर उसके अनुसार मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में आप लोग को जनरल एससी एसटी ओबीसी की कितनी मेरिट जा सकती है, किस ज़िले में कितनी जाएगी, उसके अनुसार मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे सभी लोग अपना गुणांक निकाल लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जैसे ही अगली अपडेट कोई निकल कर आती, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। जो भी भाई बहन चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।